The initiation of prokaryotic translation commences with the small subunit and is catalyzed by three translation initiation factors called IF1, IF2, and IF3. Each factor facilitates a key step in the initiation process. So, uh, IF1. Is the first initiation factor. It prevents tRNAs from binding to the portion of the small subunit that will become part of the A site. So, this function is IF1. Ka. IF2 uh, is a GTPase that interacts with three key components of the initiation machinery that is the small subunit the if1 and the charged initiator trna, which is fmet trna. so in tino ke jo hai ye uh, interact karti. by interacting with these components, if2 facilitates the association of fmet trna, that is initiator trna, with the small subunit and prevents other charged trnas from associating with the स्मॉल सब यूनिट तो ये ना सिर्फ एफमेट को यानी कि इनिशिएटर टी आर एन ए को बाइंड करवाता है बल्कि दूसरे टीआरएनए को प्रिवेंट करता है कि वो यहां आके बाइंड ना करें आई एफ थ्री इट बाइंड टू सब यूनिट एंड ब्लॉक्स इट फ्रॉम रीएसोसिएटिंग विद अ लार्ज सब यूनिट तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को एसोसिएट होने से प्रिवेंट करता है Because initiation requires a free small subunit, the binding of IF3 is critical for a new cycle of translation. IF3 becomes associated with the small subunit at the end of a previous round of translation when it helps to dissociate the 70S ribosome. इन टू इट्स लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स ईच ऑफ द इनिशियशन फैक्टर्स बाइंड एट और नियर वन ऑफ द्री टी आर एन ए बाइंडिंग साइट्स ऑन द स्मॉल सब यूनिट जैसे कि स्मॉल सब यूनिट पे तीन टी आर एन ए बाइंडिंग साइट होती हैं तो ये जो है ये जो इनिशियशन फैक्टर्स हैं वो इनमें से एक या दो जो है साइट्स पे बाइंड करते हैं कंसिस्टेंट विद इट्स रोल इन ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ चार्ज टी आर एन ए टू द ए साइट आई एफ वन बाइंड डायरेक्टली टू दोर्शन ऑफ द स्मॉल सब यूनिट दैट विल बिकम साइट तो स्मॉल सब यूनिट का जो ए साइट बनना है आई एफ वन जो है वो वहां जाके अटैच हो जाएगा इसका मतलब है कोई भी टी आर एन ए साइट पे आके अटैच नहीं हो सकता आई एफ टू बाइंड टू आई एफ वन आई एफ वन पहले से बाइंड है और आई एफ टू इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा एंड रीच इज ओवर द ए साइट इन टू पी साइट टू कॉन्टेक्ट दी आर एन ए फाइनली आई एफ थ्री ऑक्यूपाइज दार्ट ऑफ द स्मॉल सब यूनिट दैट विल बिकम द ई साइट तो इस तरह से ए साइट बी ऑक्यूपाई हो गई और ई e साइट बी ऑक्यूपाई होगी और अब सिर्फ पी साइट जो है That is free for the initiator tRNA. Thus, of the three potential tRNA binding sites on the small subunit, only the P site is capable of binding a tRNA in the presence of the initiation factors. With all three initiation factors bound, the small subunit is prepared to bind to the mRNA and the initiator. टीआरएनए अब वो एम और अनिशियट टी पे बाइंड करने के लिए तैयार है दीज टू टी आर एन आर एन एस कैन बाइंड इन आइदर ऑर्डर एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर यानी कि चाहे तो एम आर एन ए पहले बाइंड कर जाए और अनिशियटेड टी आर एन ए बाद में बाइंड करे चाहे दोनों साइमल्टेनियसली बाइंड कर जाए चाहे जो है इनका वाइस वर्सा हो जाए ये जो है ये इंडिपेंडेंट है इसमें कोई सीक्वेंस इन्वॉल्व नहीं है इसमें आप देख सकते हैं ये जो है स्टार्ट है ये इंटेक्ट राइबोसोम है इसकी जो है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट डी हुए इसके बाद ये जो है आई एफ थ्री ये बाइंड हुआ है ई e साइट पे और इसके बाद ये आई एफ वन अलोंग विद जी टी पी और ये जो आई एफ टू ये जो है ये यहां पे ए साइड पे आ जाएंगे यानी कि ए साइड पे डायरेक्टली जो है वो आई एफ वन अटैच है और आई एफ वन के साथ आई एफ टू अटैच है और आई एफ टू के साथ ये ग्रीन कलर का जी टी पी अटैच है उसके बाद जब ये अटैच हो जाएगा तो दो आर एन एनि के एम आर एन ए और एफ मेट टी आर एन ए ये आके इसके साथ अटैच होंगे और अभी ये थर्टी एस एनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है यानी कि अभी स्मॉल यूनिट का ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है लार्ज सब यूनिट अभी इसके साथ अटैच नहीं हुआ और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ए साइट ये भी ऑक्यूपाइड है और ये जो है ये थ्री जो है ई e साइट ये भी ऑक्यूपाइड है और फिर पी साइट पे आके ये एफ मेट टी आर एन जो है ये अटैच होगा उसके बाद ये लार्जर सब यूनिट है और जैसे ही ये एफ आई एफ थ्री रिलीज हुआ है अब लार्ज सब यूनिट जो है वो इसके साथ अटैच हो सकता है यानी कि आई एफ थ्री जो है ये लार्ज सब यूनिट को ब्लॉक किए हुए था और अब ये जो है ये फुल कॉम्प्लेक्स बन गया है और इसके बाद ये जो है दिस इज कॉल्ड सेवन टी एस इनिशियेशन कॉम्प्लेक्स जबकि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे बाइंडिंग एफ मेट टी आर एन ए टू दब यूनिट इज फेसिलिटेटेड बाय इट्स इंटरेक्शन विद आई एफ टू bound to gtp and base pairing between the anticodon and the start codon of the mrna anticodon of trna and start codon of mrna similarly base pairing between fmet trna and the mrna serves to position the start codon in the p site the last step of initiation involves

आई एफ थ्री अब आई एफ थ्री जो है वो रिलीज हो जाता है इन दबसेंस ऑफ आई एफ थ्री दार्ज सब यूनिट इज फ्री टू बाइंड टू द स्मॉल सब यूनिट विद इट्स कार्गो ऑफ आई एफ वन आई एफ टू एम आर एन एंड एफ मेट टी आर एन एनि के ये जो कार्गो है इसमें आई एफ वन है आई एफ टू है एफ मेट टी आर एन ए है और एम आर एन ए इन सबके साथ आके अब लार्जर सब यूनिट जो है वो बाइंड करेगा In particular, IF2 acts as an initial docking site of the large subunit, and this interaction subsequently stimulates the GTPase activity of the IF2-GTP complex. IF2 bound to GTP, GDP has reduced affinity for the ribosome and the initiator tRNA, leading to the release of IF2. रिलीज ऑफ आई एफ टू जी डी पी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज आई एफ वन फ्रॉम द राइबोसोम तो इस तरह से अब आई एफ वन आई एफ टू आई एफ थ्री सारे ही इनिशियट जो इनिशियटिंग फैक्टर्स हैं वो डीटैच uh, हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स से दस द नेट रिजल्ट ऑफ इनिशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनटेक्ट सेवन टी एस राइबोसोम असेंबल्ड एट द स्टार्ट साइट ऑफ एमआरएन ए विद एफ मेट टी आर एन ए इन दी साइट विद एन एम टी ए साइट अब एम टी है ए साइट तो इसका मतलब है अब अगला टी आर एन ए जो है यहां आके अटैच हो सकता है दाइबोसोम एम आर एन ए कॉम्प्लेक्स इज नॉ पॉइज टू एक्सेप्ट अ चार्ज टी आर एन ए इन टू दी ए साइट एंड कमेंस पोलिपेप्टाइड सिंथेसिस